वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो गाइज, आज तो है सैटरडे और हम निकले थे कुछ काम के लिए। टाइम भी अभी 12:30 के आसपास हो रहा है। नाश्ता वाश्ता करके घर पे हम फटाफट से अब निकल गए। मन नहीं कर रहा था बट क्या करें, जो काम है वो निपटाने तो पड़ेंगे घर के। और आज मॉर्निंग में बारिश अच्छी हुई है और अभी तो थोड़ा धूप आती है, फिर क्लाउड्स आते हैं, तो ऐसा वेदर बना हुआ है। ह्यूमिड है बट उतने लेवल की नहीं है जो एक दो दिन पहले थी। सो रियांश यहाँ पे, रियांश थोड़ा सा गुस्सा है क्योंकि वो हमें कह रहा था कुछ चीज दिलाने के लिए, उन्होंने मना कर दिया कि जब तक रियांश हमें ये करके नहीं दिखाएगा हम रियांश को नहीं दिलाएंगे। सो रियांश को तो अभी थोड़ा गुस्सा है बट कुछ चीज रियांश की मन पसंद की दिला देंगे ना तो रियांश बिल्कुल वैसा ही चहकता फेंकता हो जाएगा। तो बस अभी पहुंचने वाले हैं। एक्चुअली मॉल में आए थे हम, यहाँ पे पास में जो हमारा मॉल है गौर सिटी मॉल, वहाँ पे आए थे, कुछ काम था। तो जो चीजें हमें लेनी है चलते हैं और चेकआउट करते हैं, कैसा है, क्या है, क्या रेंज है। मिलते हैं आपसे अंदर मॉल में। सेकेंड फ्लोर पे है रियांश। ये गुड्डू तो बहुत अच्छा है ना गुड्डू? रियांश तो अच्छा है ना? मिनी सू मैं इसे गया ना बैग। कुछ नहीं होगा, पापा है ना, पापा है, पापा। डरते हो रियांश आप? स्पोर्ट्स का यहाँ से ले लो अपने लिए टी शर्ट्स वगैरह। देखते हैं, पूछते हैं कोई। ये डबल लग गया, एक नहीं छोटा है। बहुत हार्ड नहीं है? हार्ड है, ऑर्थोपेडिक मैट्रेस थोड़ा सा स्टिफ नहीं है, बैक सपोर्ट में स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा, अब वो वाला ये सेम है क्या? कंस्ट्रक्शन ओवरऑल सेम है दोनों का, बट ये आपका 6 inches थिकनेस में आएगा, 7 inches में रहेगा। दूसरा इसका मेजर डिफरेंस रहेगा कि ये जो आपका ऊपर क्विल्टिंग है ये रहेगा पिलो फॉर्म में और ये क्विल्टिंग आता है हमारा मेमोरी फॉर्म में। कंपैरेटिवली थोड़ा सॉफ्ट रहेगा।
हाँ बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं है उसको। अब तो देखना पड़ेगा ना। और इसके बाद फिर इससे ज्यादा इंचीज में कौन सा है? इसी का 8 इंच। मतलब बैक पेन ऐसा है ना कि उस बेड पे लेटे लेटे हो गया है, तो ऐसे को बैक प्रॉब्लम की कोई दिक्कत नहीं है? तो फिजिकल एक्टिविटीज हमारी रूटीन में नहीं रहती, तो 35 प्लस हम जनरली सजेस्ट करते हैं। ये तो बहुत सॉफ्ट है, बहुत फॉर्म है, वो स्प्रिंग मैट्रेस है। रियाज शूज नीचे करो बेटा, तो ड्यूरोफ्लेक्स का यहीं पे ही है बस, और कोई नियर बाय आउटलेट या स्टोर नहीं है? दिल्ली में 3 स्टोर्स नहीं, ऑफलाइन यहाँ पे कोई स्टोर नहीं, और ऑनलाइन तो मिलता ही है, बट उसका कुछ पता नहीं है ना कैसा मिल रहा है। देखिए ऑनलाइन आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, ऑफलाइन स्टोर पे जाकर आप मैट्रेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उनको कम्फर्ट जान सकते हैं। ऑनलाइन में क्या होगा, जनरली कस्टमर की क्वेरी होती है तो क्वेरी वो जनरेट लाइक उस तरीके से रिजॉल्व नहीं हो पाती, पता नहीं। अभी आप रेंज बताओगे तो आइडिया लगेगा। अभी जैसे हमारा डबल बेड है जो कि स्टैंडर्ड एक साइज होता है ना, वो साइज का है, तो उस साइज का हमें मैट्रेस चाहिए, तो वो कितने तक का पड़ेगा? लेकिन डबल बेड जो आता है 6x4 में भी आता है, 6.5x4 में भी आता है, 6.25x4 में भी आता है, डिपेंड्स ऑन बेड स्ट्रक्चर, बेड साइज कि वो कितने का कॉस्ट करेगा आपको। अगर बेस प्राइस लेकर चलें तो पर्टिकुलर 6 इंच का मैट्रेस वो रहेगा आपको अप्रोक्स 6 इंच, मतलब यही वाला, यही जो 7 इयर्स की वारंटी है, जैसे ये है इसमें जैसे नीचे भी एक मैट्रेस है और ऊपर भी मुझे लग रहा है कुछ अलग से, कंप्लीट एक मैट्रेस है। हाँ, ऊपर क्विल्टिंग दिया हुआ है, इसको यूरो टॉप पर क्विल्टिंग बोलते हैं, और वो रहेगा आपका स्प्रिंग मैट्रेस, 6+2 काउंट होता है वो, 8 इंच में। अच्छा, तो ये ज्यादा वैसा होता होगा स्प्रिंग वाला, बाउंसी, ये बाउंसी होता है, इससे बैक पेन का वो सजेस्ट नहीं करता, वो सजेस्ट नहीं करता। चाहिए चाहिए चाहिए, देखो आपकी कोल्ड कॉफी बन रही है। ऐसे इसको फोल्ड कर दो ना, ऐसे फोल्ड करके रखो, हाँ वेरी गुड। थैंक यू, चलो आ जाओ, गिराना मत गिराना मत गिराना मत, लाइन मुझे दे दो, चल आ जाओ, पापा के पास चले, चलो आ जाओ। सेकेंड फ्लोर, चलो 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 चलो, कम आउट, वेरी गुड। अभी कहाँ है पापा, वेयर इज पापा, इधर होंगे।
ये बच्चों का कलर था ना, अच्छा लग रहा है। क्यों साइज ठीक है? कितने का है ये भी? इसको 70 चाहिए था। 70% 899 के फ्लैट 70 ऑफ 899 का वैसे। अच्छा ये कर सही है, 70% ऑफ चल रहा है, ले लो। बहुत गंदा लग रहा है कि बहुत ज्यादा नहीं, कलर भी अच्छा नहीं है। नहीं रियाज कलर भी अच्छा लग रहा है। हो जाएगा फिर ऐसा कॉम्बिनेशन भी लाइट मिल जाएगा। हमने वो पटक कपड़े गिर जाएंगे। चलो एक्टिंग मत कर बेटा, जल्दी जल्दी लेट हो रहा है। सैमसंग है, इसके अंदर दो ऑप्शन आएंगे, सेम वही तो है अभी, नॉर्मल और एक कन्वर्टेबल ऑप्शन के साथ होगा। कन्वर्टेबल देखने में साफ फ्रीज कर देना, 100% फ्रीज में कन्वर्ट कर देना, ऐसे टेम्परेचर होगा वो प्लस में। ये कन्वर्टेबल ऑप्शन है वो नॉर्मल दो ऑप्शन, इससे लीगल ऑप्शन नहीं होगा। ये बॉटम है 325, ये आपका कन्वर्टेबल है। ये कितना लीटर है? इसमें कम लीटर भी आता है ना एक, इस क्योंकि हमने ऑनलाइन चेक किया था वो तो कम दिखा रहा था ना। कम लीटर जैसे छोटी लग रही, बड़ी लग रही हमारे वाले से। साइज देखो ना, हमारा लार्ज आएगा, लार्ज। हाँ यही साइज है, ब्लैक में। ये मीडियम है, ये लार्ज है मेरा। शूज भी हैं। ये वाला देख लो यहाँ से, ये फ्लेक्सिबल वाले हैं ना, ग्रिप वाले हैं। ये वाले ये 2400 के रेट में है ना, ये 2200 वाले हैं। नीचे वैसे वाले ग्रिप वाले, परफ्यूम छोड़ो, जो मेन बेड है वो लेना है पहले। परफ्यूम यहाँ पे मिलता भी नहीं, सारा वाला। अब चल रहे, आज थक गए बेटा, पैर दर्द हो गए। पांच समोसे, एक पनीर पैटी है, कोई बात नहीं।
हे गाइस, तो हम अभी आया हुआ हमें एक घंटा हो गया और बहुत ही थक गए हैं, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि आप जब भी मार्केट जाते हो ना, चाहे वो मॉल हो चाहे वो कुछ, या वो तो पहनो, पेंट पहनो तो क्या उड्डू, तो बहुत थक गए हैं, मीन्स लेग्स हमारे बहुत थक गए, क्योंकि क्योंकि रियांश के भी कुछ थोड़े बहुत हमने कपड़े लिए और जो हमें बहुत यू नो मैंडेटरी था कि हमें लेना ही लेना है, वो सब चीज़ें हमने ली। और आई थिंक हम 11:30-12 के आसपास घर से निकले थे और हम 5:30 आए हैं, क्योंकि अब शॉप पे जाते हो तो वहाँ पे आप पूछते हो, बार्गेन करते हो, फिर एक आध शॉप और देखते हो कि जो आपको बजट में और ओवरऑल हर चीज़ में अच्छी लगेगी वो आप ऑब्वियसली प्रेफर करोगे उसको परचेज़ करना। तो वही हमने किया, इसलिए हमें टाइम ज़्यादा लग गया। और आया तो बहुत भूख लगी थी क्योंकि कुछ नहीं खाया था, बस रियांश को जब भूख लगी थी तो उसको बर्गर और मैकपफ ला के दिए थे तो वो उसने खा लिए, तो वो हमने तो खाए नहीं, रियांश नहीं खाए, तो भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। तो मैं वो बोले कि आई थी समोसे और कुछ ऑप्शन मिल नहीं रहा था और मैगी थी, तो रियांश और राहुल के लिए मैगी बनाई और एक एक समोसा, और हमने भी समोसा खाया। और अब डिनर सोच रही हूँ मैं क्या बनाऊँ, थक बहुत गई हूँ और मेरी आई से भी आपको लग रहा होगा मुझे नींद भी आ रही है। तो कद्दू पड़ा हुआ है, सीताफल, वो सब्ज़ी में सोच रही हूँ कि वो बना लो, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वेदर ऐसा है ना कि सब्ज़ियाँ जल्दी ख़राब हो जाती है, मुझे में मॉइस्चर रहता है, तो वो सब्ज़ी बनाती हूँ और थोड़े राइस या दाल भी थोड़ी बनानी पड़ेगी साथ में। तो ऐसा करके बस आज का दिन भी हमारा यहीं ख़त्म होता है और ये व्लॉग भी मेरा यहीं पर ख़त्म होता है। सो गाइज, हाँ जी, ये रियांश क्या कर रहा है, पवन ओ ठंडा हो गया, मैंने फ्रिज में रखा था, हाँ। ये अलग चलता है इसका, अपने टॉयज को अपने सब चीज़ों को ना फ्रिज में रख देते हैं। तो बस आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड, आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। आज बस शॉपिंग ही की है, जो खरीदना था वो खरीदा है और कल भी एक चीज़ रह गई है वो भी हम कल लेंगे, कल का दिन है तो उसको भी यूटिलाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि वीकडेज में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है कि हम कहीं जाके कुछ ले पाए, क्योंकि राहुल को ही टाइम लग जाता है, 7:30-8 बजे तक तो वही घर आते हैं तो टाइम नहीं लगता है। सो बस गाइस, प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, देखिए, शेयर कीजिए, आपको अच्छी लगे तो कुछ आपको सजेशन देने हैं वीडियो के रिगार्डिंग तो प्लीज़ आप वो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।